समझे जमाना के दिल है खिलौना जाना है अब क्या है दिल का लगाना नजरों से अब ना हमको गिराना तीन बार शादी की पांच बच्चे हुए पिता सुपरस्टार कॉमेडियन मौसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस लेकिन जिंदगी संगीत के साथ ही गुजर रही है बात लकी अली की हो रही है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है नफीसा अली जो एक्टर और पॉलिटिशियन है उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया लकी अली अपना बहुत मशहूर गाना गाते हुए उसमें जो है नजर आ रहे हैं ओ सनम आसपास लोग सुन रहे हैं गिटार बजा रहे हैं वो गोवा का वो वीडियो बताया जा रहा है नॉर्थ गोवा का और उसके बाद से सवाल ये कि भाई लकी अली की कहानी क्या है देखिए लकी अली मशहूर कॉमेडियन महमूद के बेटे हैं महमूद को आप पहला सुपरस्टार कॉमेडियन कह सकते हैं उससे पहले सुपरस्टार कॉमेडियन वर्ड जो है वो किसी के साथ जुड़ा नहीं था महमूद के छह बेटे लकी अली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे और उन दिनों महमूद बहुत मसरूफ रहते थे अपने काम में और कहते हैं कि एक बार जब महमूद लकी अली से मिलने गए तो लकी अली ने पहचाना ही नहीं कि ये उनके पिता हैं उन्होंने कहा कि अरे ये तो वो कॉमेडियन है ना महमूद उसके बाद पता चला कि भैया अपने ही पिताजी हैं खैर ये तो किस्सा है क्योंकि महमूद उतना मिल नहीं पाते थे लकी अली से अब पिता फिल्मों में थे तो फिल्मों में ही जो है एंट्री हुई फिल्म छोटे नवाब में सबसे पहले लकी अली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे अब सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई थी वो समझिए एक फिल्म बनाई थी महमूद ने वॉकिंग ऑल अलोन उसमें महमूद ने अपने छह के छह बेटों को लिया था और उसमें लकी अली ने सबसे पहले जो है गाना गाया था उसके बाद महमूद ने ही एक फिल्म बनाई थी दुश्मन दुनिया का उसमें लकी अली ने एज अ प्लेबैक सिंगर जो है अपनी आवाज़ दी थी अच्छा लकी अली शुरू से ही कुछ अलग करना चाहते थे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो किसी और ने न किया हो और उस वक्त जो इंडी पॉप है जो पॉप कल्चर है वो उभर रहा था तो लकी अली ने एल्बम्स बनाना जो है शुरू किया और एक से बढ़कर एक उनके एल्बम जो हैं वो सुपरहिट होते चले गए लकी अली बहुत जल्द पॉप की दुनिया में एक बहुत जाना पहचाना नाम बन गए लकी अली के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी लकी अली की मौसी थी जी हाँ रिश्ते में मीना कुमारी जो है लकी अली की मौसी लगती थी अब बात लकी अली की निजी जिंदगी की करते हैं सबसे पहले लकी अली ने न्यूजीलैंड की एक महिला से शादी की और उनकी जो पहली एल्बम थी ओ सनम उनमें उनकी पहली बीवी नजर भी आई पहली बीवी से लकी अली के दो बच्चे हुए फिर उनसे अलग हो गए लकी अली तलाक हो गया दूसरी शादी एक फारसी लड़की इनाया से की लकी अली ने उनसे भी दो बच्चे हुए और फिर उनसे भी अलग हो गए लकी अली साल 2010 में लकी अली ने तीसरी शादी की ब्रिटेन की मशहूर मॉडल कैट एलिजाबेथ से लकी अली का उनसे एक बेटा हुआ लेकिन फिर उनसे भी लकी अली का तलाक हो गया तो तीन बार लकी अली ने शादी की कुल मिलाकर पांच बच्चे हुए लेकिन जिंदगी जो है वो संगीत के साथ ही चली अच्छा लकी अली ने फिल्मों में भी काम किया फिल्म सुर में लकी अली ने काम किया था जो कि बहुत चर्चा में भी रही थी वो फिल्म हालांकि बहुत उतनी कामयाब तो नहीं हो पाई थी संजय दत्त की फिल्म कांटे में भी लकी अली नजर आए थे बहुत ही शानदार उन्होंने किरदार निभाया था कुछ सीरियल्स में भी दिखे भारत एक खोज में दिखे ये है जिंदगी हमारे तुम्हारे में नजर आए लेकिन जो असली पहचान मिली ना वो अपने गानों से ही मिली ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है के गाने जब लकी अली ने गाए तो हर किसी की जुबान पर बस चढ़ गए उसके बाद बचना है असीनो अनजाना अनजानी तमाशा इन तमाम फिल्मों में लकी अली साहब ने जो है गाने गाए देखिए लकी अली ने सीरियल्स में भी काम किया फिल्मों में भी काम किया लेकिन जो असली पहचान उन्हें उन्हीं के संगीत से मिली जो गाने उन्होंने बनाए जो एल्बम्स उन्होंने बनाई उनके लिए लकी अली को जाना जाता है आज भी जब उनका ओ सनम उन्होंने गाया तो
खूब वायरल हो गया, खूब लोग जो हैं बातें करने लगे कि ये यही हैं असली लकी अली। लेकिन फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, तीन तीन शादियों के बावजूद, जिंदगी एक तरह से कह सकते हैं अपने संगीत के साथ ही गुजार रहे हैं, और इसी संगीत के लिए लकी अली को जाना जाता है, हमेशा जाना जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।